देखो बच्चों, अब कर रहे हैं अपन 11 मॉडल। कौन सा? 11, ठीक है, मॉडल पेपर 11। वो सात आठ मॉडल पेपर पहले के आए हुए एग्जामों में कर लिए, अभी मॉडल पेपर चल रहे हैं जीके के, कर लिए हैं सात आठ, ये कर लेंगे। टोटल अपन का 21, 21 तो उसके हो जाएंगे और सात मॉडल पे उसके हो जाएंगे, 28 मॉडल पेपर होंगे। कितने? 28, 28 प्लस 4 31, 31 का था, ठीक है। सी ए टी के थे चार मॉडल, 10+2 के ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। चलते हैं, पहला पहला क्वेश्चन है कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, कौन किसके अनुसार बताए? शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया, ये देखना लास्ट में। शरीर के द्वारा की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा के तहत जेपी थॉमस की है, इनमें से कौन सा विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है जबकि तीनों हैं? जैविक है, सामाजिक सिद्धांत है, दार्शनिक शिक्षा, जबकि धार्मिक क्षेत्र सिद्धांत नहीं है। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा की बात ही नहीं है। कौन सा नहीं है? एक नहीं है, शारीरिक शिक्षा की बात ही कौन सा नहीं है? यह केवल शारीरिक क्रियाओं की प्रक्रिया नहीं है, ये बताया कि यह शारीरिक क्रियाओं की प्रक्रिया नहीं है जबकि समय की बर्बादी है, केवल शारीरिक विकास है, ये सब अच्छी चीज़ है, लेकिन ये शारीरिक क्रियाओं की बातें नहीं, ये नहीं है शारीरिक भ्रांतियाँ, ठीक है। शारीरिक मानसिक भावनात्मक पक्ष संयुक्त रूप से विकसित होती हैं, शारीरिक मानसिक तथा भावनात्मक पक्ष संयुक्त रूप से विकसित होते हैं, यह है बुद्धि विकास के सिद्धांत की किस सिद्धांत से अंकित करता है? कौन सा? परस्पर संबंध का सिद्धांत बताया, कौन सा? परस्पर संबंध का सिद्धांत बताया गया है। बालक बालिकाओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति कहा जाता है बाल्यावस्था में, एक इकट्ठे होने की बाल्यावस्था में होती है, ठीक है, संग्रहण एक जगह होने की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है? कौन सा बताया गया? एब्डोमिनल, कौन सा बनाया गया? एब्डोमिनल, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक डी ए सारजेट की है? किसकी है? नेशनल ओन नेचुरल, कौन से? नेनुअल ओन मैनेजमेंट, टेस्टिंग की पुस्तक बताई गई है, ठीक है। बाईसाइकिल अर्गोमीटर है, क्या है बाईसा? ऑक्सीजन मापन यंत्र, कौन सा है? ऑक्सीजन मापन यंत्र, बाईसाइकिल अर्गोमीटर क्या होता है? ऑक्सीजन मापन यंत्र होता है, ठीक है। आईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है कहाँ? किस देश से संबंधित है पावलोव? रूस का था, कहाँ था? रूस का था, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सिस्टमेटिक वीयर थ्योरी भी कहा जाता है? किसे कहता है? हल्के पुनर्बल सिद्धांत को सिस्टमेटिक वीयर मतलब व्यवहार थ्योरी भी कहा जाता है। किसकी है? हल की है, ठीक है। वह तरीका जिसके द्वारा व्यक्ति खुद को वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, किसके अनुसार बताया गया? व्यक्तित्व के अनुसार बताया गया, ठीक है। ब्रह्म के अनुसार शरीर संरचना का वह प्रकार एंड्रोन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बेचैन असंतुलन दूसरों से अलग रहना, ये दर्शाता है, ठीक है। ब्रह्म के अनुसार बताया गया है, एड्रेनल के अनुसार, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? मुंट को कहा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन प्रकार बताए, किन के? तीन प्रकार बताए गए हैं। हास्य का संबंध किस योग से आमोच्य है? किससे आमोच्य है? किससे आमोच्य बताया गया है, ठीक है। स्वामित्व कौन सा बताया गया है? ये रह गया कि कौन सा प्रेरणा का वन स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? भोजन नहीं है, जबकि प्रेरक है, चालक है, उद्दीपक, ये प्रेरणा के स्रोत है। स्वामित्व की भावना से की मूल प्रवृत्ति होती है किससे? कुछ प्रवृत्तियों द्वारा, किससे? कुछ प्रवृत्तियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस घटक में कुल 10 चित्र हैं जो पशु जीवन से
विभिन्न घटनाओं से संबंधित है। कौन सा? बाल बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT। कौन सा है? CAT। ठीक है। समाज मिति विधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? JL मोरेनो को कहा जाता है। किसे? JL मोरेनो को कहा जाता है। आगे चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणा किस प्रकार का व्यवहार है? मनोव्यवहारिक व्यवहार है। कौन सा? मनोव्यवहारिक। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक है? कौन सा? आदत है। आदत एक अर्जित प्रेरक है, जबकि आत्म सुरक्षा क्रोध काम में अर्जित प्रेरक नहीं है। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में इसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? किसे? सक्षम नेतृत्व को। किसको? सक्षम नेतृत्व माना जाता है। निष्पक्षता अखंडता जिम्मेदारी और सम्मान किसके चार मुख्य गुण हैं? कौन सा है? खेल नैतिक। किसके? खेल नैतिकता के चार गुण। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार शारीरिक शिक्षक को बालक की नेशन क्रियाओं पर बल देना चाहिए? प्रकृति के अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार नेशन क्रियाओं पर बल देना चाहिए। ठीक है। अस्तित्ववाद का जनक किसे कहा जाता है? अस्तित्ववाद का जनक किसे कहा जाता है? ये इसने गलत बता दिया। अस्तित्ववाद का अरस्तु को कहा जाता है। अस्तित्ववाद का ये किरे गार्डन के अनुसार बताया गया, ये गलत दे रखा है गुरु जी। 26 अस्तित्ववाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है, न कि इसको कहा जाता है। ठीक है। किस प्रकृति के माध्यम से रक्त जमा से बच जाता है तथा थकान से उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा? शीतलीकरण करना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा कार्डियोस्कुलर क्षमता का मापन किया जाता है? किसके द्वारा? कूपर टेस्ट द्वारा कार्डियोस्कुलर क्षमता का मापन किया जाता है। विस्फोटक शक्ति का संबंध है प्रतिरोध के विरुद्ध गति। कौन से थे? प्रतिरोध के विरुद्ध गति। लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो कि एरोबिक और अनएरोबिक क्षमताओं को मापने तथा प्रारंभ में बनाया गया है, कौन सा होता है? कॉलेज के लड़कों के लिए। कौन से? कॉलेज के लड़कों के लिए बनाया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। फास्ट एंड शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? किस वर्ष? 1894 में जोड़ा। कब जोड़ा? 1894 में जोड़ा। हथेली को बंद करके छोटी अंगुली को नीचे की रखकर थपथपाना क्या कहते हैं? बीटिंग कहते हैं। क्या? बीटिंग कहते हैं। मसाल टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? 60 से 80 सेमी होती है। कितने मसाल? 60 से 80 सेमी होती है। ठीक है। प्राइस विधि का उपयोग इनमें से किस चोटों में किया जाता है? उपयुक्त समय में किया जाता है प्राइस में, स्प्रेन में और स्ट्रेन में। स्प्रेन में होता है, स्प्रेन तो होता है लिंगामेंट संबंधित होती है, लिंगामेंट दो जोड़ों के मध्य लिंगामेंट होता है। और स्ट्रेन क्या होता है? मांसपेशी संबंधित होता है, जैसे मांसपेशी में चोट हो जाती है, स्ट्रेन आ गया। क्या हो गया? स्ट्रेन आ गया। ठीक है। ये और सबलेक्शन सब हो गया इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की विशेष ध्वनि है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने या टकराने के लिए कारण उत्पन्न होती है? क्रेपलिंग। कौन से थे? क्रेप्टिस। ठीक है। अस्थिभंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें खुला अस्थिभ्रंश भी कहा जाता है, इसे खुला अस्थिभ्रंश भी कहा जाता है। आगे जाते हैं। रैकेट अथवा थ्रो टेंडर है, क्या है? क्या है रैकेट? यह कोने के जोड़ के चारों ओर का रचना है। रैकेट कहते हैं यह कोने के जोड़ के चारों ओर रहता है रैकेट। ठीक है। जब मुलायम ऊतक जैसे मांसपेशियां लिगामेंट तथा टेंडन पर प्रहार होने से वह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रक्त एकत्र हो जाता है, उसे क्या कह जाते हैं? हेमाटोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त हेमाटोमा कहते हैं। डायपर्स थेरेपी द्वारा कितने सेमी व्यास का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? कितना होता है? 15 सेमी होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 15 सेमी होता है। अवधि के आधार पर
फफोला किस प्रकार का चोट है, किस प्रकार ओवरयूज चोट है, ओवरयूज चोट है, ओवरयूज होता है फफोला। गांजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताया गया है, गांजा यह केनाबिक सटाइवा पौधे का बना होता है, किसका यह केनाबिक बीज तथा सटाइवा पौधे के ऊपर पुष्पयुक्त अग्रभाग अग्रभाग से उत्पन्न होता है। सन 1960 में रोम ओलंपिक में किस देश के साइंस क्लिस्ट न्यूडिजिन्स द्वारा नशीले दवाओं का सेवन किया जाता है, डेनमार्क द्वारा, किसके द्वारा, डेनमार्क द्वारा, ठीक है, नशीले पदों का सेवन किया गया था पहली बार 1960 में, ठीक है। निम्न से गेनू, निम्न से किसे गेनू वेल गम भी कहते हैं, किसे कहते हैं, नोक निको गेम्बू, नोक निको गेम्बू न गेनू वेलगम भी कहते हैं, नौकनी को कहते हैं। निम्न में से किसे सदी राशि कहते हैं, किसे कहते हैं, उपयुक्त कोणीय त्वरण को, कोणीय वेग को, कोणीय विस्थापन को, उपयुक्त सभी को, सभी को कहते हैं। त्वरण के नियम को किस नाम से जाना जाता है, समीक त्वरण, समीक वेग का नियम से जाना जाता है, समीक का नियम के नाम से जाना जाता है त्वरण को। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बल को प्रभावित करता है, कौन सा कहते हैं, प्रत्यास्था बल को प्रभावित करते हैं, प्रत्यास्था बल को प्रभावित करते हैं। शरीर की लंबी हड्डियों का कार्य कौन करता है, लीवर कार्य, लीवर का कार्य करना होता है, शरीर की सबसे लंबी हड्डियों का कार्य तो लीवर का कार्य। क्रिकेट में कोस्टल मूविंग आउट एंड ड्राइव ड्राइव में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है, तृतीय उत्तोलक करता है, कौन सा, तृतीय उत्तोलक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल एक वस्तु के दूसरे वस्तु पर गति या स्थापित क्रिया का विरोध करता है, घर्षण बल करता है, कौन सा, घर्षण बल करता है। आगे चलते हैं, 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में किस लंबी दूरी के धावक ने वर्ल्ड डोपिंग का उपयोग किया था, लेसी बिरेल, रेसी बिरेल, रेसी बिरेन, ठीक है। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स प्लेन निम्न से किसे कहा जाता है, किसे कहा था, हॉरिजेंटल प्लेन, प्लेन को कहा जाता है ट्रांस प्लेन, ठीक है। प्रोटेक्शन तथा रिक्टेशन ये डिलीट कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है। दो परस्पर विरोधी बलों के बीच स्थिरता की अवस्था कहा जाता है संतुलन, क्या कहते हैं, संतुलन, ठीक है। निम्न से संतुलन निर्भर करता है, किस पर कहता है, वस्तु के चौड़े आधार पर, किस पर, वस्तु के चौड़े आधार पर। हाथ को शरीर से दूर ले जाना एबडक्शन कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं। इतनी झंडू किस का, इतनी झंडू किस काल का एक लोक खेल था, वर्तमान में इसे गिल्ली डंडे खेल माना जाता है, महाकाव्य काल में माना जाता है, किसमें, महाकाव्य काल में, किसमें, महाकाव्य काल में जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय भ्रमण वर्णन में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रचलित शारीरिक शिक्षा तथा शस्त्र प्रशिक्षकों का उल्लेख किया गया था, मेघस्थन में, किसमें, मेघस्थन में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनजाति आंदोलन का पिता कहा जाता है, गुरु राम, गुरु समर्थन रामदास को कहा जाता है, ठीक है। नूर सिपिहिर नामक ग्रंथ किसका है, जिसके जिसमें आठवां अध्याय चौगान के महासिद्ध किया गया, अमीर खुसरो में कहा गया, किसमें, अमीर खुसरो में। भारत की प्रथम संस्था हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल की स्थापना 1914 में की गई, कब की गई, 1914 में की गई, ठीक है। जिम्नेजियम निम्न से कौन सी क्रिया होती है, जिम्नेजियम कौन सी क्रिया होती है, जिम्नेजियम में सब दंड बैठक भी होती है, सूर्य नमस्कार भी होती है, मुंदर घुमाना भी होती है। एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यादवेंद्र सिंह थे, कौन थे, यादवेंद्र सिंह थे एशियन गेम फेडरेशन के। वो सर सितंबर 1953 में राजकुमारी अमरता कौर कोचिंग संस्थान स्कीम प्रारंभ की गई थी, कहाँ पे, मुंबई में और दिल्ली में प्रारंभ की गई थी दोनों जगह, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का पूर्वी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता में स्थापित किया, कहाँ पर, कलकत्ता में। YMC ने किस वर्ष में शारीरिक शिक्षा में प्रथम
सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया था 1924 में प्रारंभ 1924 में। राष्ट्रीय फिटनेस कोर्स योजना निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है, तकनीकी शोधन नहीं है, और ये तीनों है कौन से, भिड़ंत खेल भी है, पुरुष जिम्नास्टिक महिला है, ये तीनों है ठीक है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उप संरक्षण कौन होते हैं, कौन संरक्षण होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना प्रमुख उद्देश्य क्या था, युवाओं में व्यक्तित्व का निर्माण करना, युवाओं में व्यक्तित्व का निर्माण करना। सेब खेलों का नाम परिवर्तन करके साउथ एशियन गेम्स रखा गया, कब रखा गया, 2004 में रखा गया ठीक है। कुंजुर समिति की सिफारिश पर नेशनल फिटनेस कोपर्स का गठन कब किया गया, 1965 में किया गया, कब किया, 1965 में किया गया ठीक है। वाईएमसी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय मद्रास का प्रथम प्राचार्य किसे कहा जाता है, डॉक्टर एस सी बक्को कहा जाता है, किससे, एस सी बक्को। भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा 1974 में है, कहाँ खोली गई थी, बेंगलोर में खोली गई, कहाँ पर, बेंगलोर में खोला गई ठीक है। आगे तो भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा कम एंड प्ले योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, 2011 में किया गया, कब, 2011 में। ग्लेडिटोरियन भिड़ंत किस शहर में किया जाता है, रोम में किया जाता है, किसने, ग्लेडिटोरियन भिड़ंत रोम में किया जाता है। किसने 1785 में सेने पतन थाम शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया था, गोथिप साल्जमेन है ठीक है। पूर्व एथेंस काल में खिलाड़ियों की तेल मालिश करने वाला है कौन है, कौन है, एलीपते, कौन है, एलीपते ठीक है। रूस में एंचुअल फिजिकल कल्चर डे कब से मनाया गया है, 1931 में मना रहा है, कभी 1931 से मनाया जा रहा है। स्वीडन में पर हेनरी लिंग द्वारा कौन सी गतिविधियों का प्रचलन किया गया था, कौन सी, फ्री हैंड एक्सरसाइज इनका प्रचलन किया गया था ठीक है। रुको बच्चों आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को संयुक्त रूप से सिखाने तथा पढ़ाए जाने पर बल देना निम्न से किस की देन मानी जाती है, किसकी, पी एम जोसेफ की मानी जाती है। प्रोफेसर अजमेर सिंह ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, 1966 में भाग लिया था, कब लिया था, 1966 में मांग लिया था, कब, 1966 में भाग लिया था ठीक है। किस राज्य के नवयुवकों में हस्त गेंद खेल लोकप्रिय था, किसमें, इसमें किस में भी नहीं था इसमें ठीक है, इनमें नहीं था, ना तो स्पार्टा में, तो ना एथेंस में, ना जापान में, एक में था ठीक है। ट्रनवेरियन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, लुडविग जोन को कहा जाता है। प्रोफेसर जी डी महावाकालकर ने भारत सरकार के किस योजना में कार्य किया गया था, उपयुक्त सभी योजना में, केंद्रीय परामर्श बोर्ड, राष्ट्रीय अनुशासन बोर्ड, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता का अभियान, सभी में किया था। प्रथम ग्रीष्मकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्पार्टा क्रीड़ा का आयोजन अगस्त 1928 में कहाँ किया गया था, मॉस्को में किया गया था, कहाँ, मॉस्को में किया था। डॉक्टर जेकब ने निम्न से कौन सी क्रिया को प्रारंभ किया गया था, कौन से, उपयुक्त सभी को, स्केटिंग को प्रारंभ किया था डॉक्टर जेकब ने ठीक है, मार्चिंग को प्रारंभ किया था, स्केटिंग को, मार्चिंग को, पैदल चाल को प्रारंभ किया गया था। निम्न से किसी व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का शुद्ध वाटसन को कहा जाता है। इसे कौन सी विलियम जेम्स की पुस्तक है, कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है ठीक है। ई वी टिचनर द्वारा स्थापित की गई है, क्या स्थापित की है, संरचनावाद की स्थापित, किसने, संरचनावाद स्थापित की गई है ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की नव विकसित शाखा है जिसके अंतर्गत अतीन्द्रिय
अतीन्द्रिय तथा इंद्रियों से परे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, परामनोविज्ञान। किसका? परामनोविज्ञान किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? समाज नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान, जबकि अधिगम है, बुद्धि है, विस्मृतियां हैं, सभी हैं। ठीक है, मनोविज्ञान है कैसा है? विधायक है। मनोविज्ञान है कैसा है? विधायक है, ना कि शुद्ध विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान नहीं है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वर्दीमा ने दिया था। 1961 ईस्वी में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान महासभा गठित की थी। किसमें? यूरोप में की थी। कहाँ पर? यूरोप में। प्रदर्शन संबंधित चिंता तथा प्रभाव नहीं है। कौन सा नहीं है? मूत्र त्याग करने की इच्छा न होना, ये प्रदर्शन संबंधित नहीं है। खेल में आक्रामकता को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में स्थापित किया? दो वर्गों में स्थापित किया गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। तनाव प्रबंधन का माध्यम नहीं है। कौन सा नहीं है? पारिवारिक वातावरण में उदासीनता, ये नहीं है, जबकि ये तीनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान विभिन्नता है? कौन सी है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व विभिन्नता, मनोविज्ञान विभिन्नता। निम्न मन को शरीर से अलग मानना क्या कहते हैं? आदर्शवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। ऐसे क्या कहते हैं? आदर्शवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। क्रेचमन के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं, जबकि ये तीनों हैं, गोल का, लंबा, ये तीनों बच्चा के चार प्रकार बताए गए इसके। निम्न से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? कौन सा धार्मिक घटक नहीं है व्यक्तित्व का? और सभी सभी हैं। आगे चलते हैं। वंशानुक्रम व्यक्तिगत विविधताओं का पहला आधारभूत कारण है, इसके समर्थन माने जाते हैं। कौन? रूसो भी माना जाता है, गाल्टन माना जाता है, वायर, ये कौन सा, वार्सन माना जाता है, पियर्सन माना जाता है, पिक्सन माना जाता है। यदि यदि नई सीखी गई क्रिया पुरानी क्रिया से कोई संबंध न हो तो किस प्रकार का स्थानांतर है? शून्य स्थानांतर होता है। कैसा? शून्य स्थानांतर। सामान्यकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से थे? सी ए जुड कहा जाता है। शारीरिक छवि किस तथ्य पर निर्भर करती है? किस तथ्य पर निर्भर करती है? आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। आत्मसम्मान का विकास नहीं किया जा सकता, ये किसके अनुसार? आलोचना को स्वीकार न करके, आलोचना को स्वीकार न करके। निम्नलिखित में से किसके अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति को की जन्मजात योग्यता का पूर्ण योग्य है? बी एन झा के अनुसार बताया गया। प्रथम कितने वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है? तीन अवस्था में। कौन सी? तीन। ठीक है, बुद्धि और विकास का प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है, बुद्धि विकास को प्रभावित करने वाला शिक्षा नहीं है, जबकि प्रदूषण है, बीमारी है, वातावरण है, सभी है। ठीक है, निम्नलिखित ना किस अवस्था में अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने वाला की किस वाले के लिए संभव नहीं होती है? किस अवस्था में संभव नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसे मानसिक आयु ज्ञान ज्ञात करने का सूत्र नहीं दिया? किसने नहीं दिया? ए फ्रायड ने दिया। किसने? फ्रायड ने नहीं दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे निर्देश की पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? निर्देश की पद्धति भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे औपचारिक विधि कहा जाता है? आदेश विधि को औपचारिक विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किंडरगार्टन फोबर्ग द्वारा, द प्रोजेक्ट थी किलपैक्टर द्वारा, बालचर विधि कुमारी वेडन पावेल बालचर इसके द्वारा, डाल्टन ने दी, कुमारी पारकस्ट द्वारा दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष जनसंपर्क है, कौन सा है? बुलेटिन अप्रत्यक्ष जनसंपर्क, जबकि रेडियो बैठक समूह प्रत्यक्ष है। यूरोपियन फार्मूला में भार का गणना रूप रखा जाता है, पौंड, कैसे रखा है? पौंड में रखा जाता है। एक्स्ट्रा मिलर का उद्देश्य होता है, उपयुक्त सभी होते हैं, कौशल का प्रदर्शन और विकास, स्वास्थ्य का विकास, अतिरिक्त समय का रचनात्मक उपयोग सभी होते हैं। लिंग
लीग मैचों में कैनेडियन पद्धति, लीग मैचों में कैनेडियन पद्धति में विजय टीम को कितने अंक दिए जाते हैं? दो अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? दो अंक देते हैं। लीग टूर्नामेंट को सर्बिया भाषा में क्या कहा जाता है? बर्गर सिस्टम कहा जाता है। क्या? बर्गर सिस्टम। डबल लीग प्रतियोगिता में अगर 12 टीम भाग ले रही हैं तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कितने मैच खेले जाएंगे डबल लीग टूर्नामेंट में 12 टीम भाग ले रही, तो इसी को लो डबल में 12 × 11, ठीक है, इनको गुणा कर लो, 120 तो ये हो गई और 12 हो गए, 12 हो गए, 120 तो 132 हो गए, ठीक है, ठीक है। लीग प्रतियोगिता में सीडिंग का अर्थ होता है क्या? थे फिक्चर में छोटी टीम को उचित स्थान देना, फिक्चर का अर्थ होता है। दृश्य साधन में सम्मिलित है, मानचित्र है, दृश्य साधन में मानचित्र है। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रेय दृश्य साधन है? कौन सा है? टेलीविजन। कौन सा बताया गया? वीडियो टेप। कौन सा बताया? वीडियो टेप बताया गया। आगे चलते हैं, कौशल, कौशल को समझाने के दौरान कौन सी कक्षा संरचना चुनी जाती है? तीन तरफा संरचना चुनी जाती है। कौन सी? तीन तरफा संरचना चुनी जाती है। निम्नलिखित से कौन सा पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है? कौन से? खिलाड़ियों की रुचि व क्षमता का हास्य होना ये नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर में वस्तु की गुणवत्ता की संख्या तथा मूल्य रिकॉर्ड रखा जाता है? उपकरण रजिस्टर में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तुतिकरण का एक चरण नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रतियोगिता एक चरण नहीं है, जबकि ये सभी मौखिक व्यवस्था है, प्रदर्शन है, निरीक्षण है। कौन सी विधि में कौशल छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सिखाया जाता है? अंश विधि में सिखाया जाता है, ठीक है। कौशल पाठ योजना का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? अभ्यास होता है। महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? अभ्यास। लीग प्रतियोगिता में फिक्चर डालने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? कौन सी विधि? मोंटेसरी विधि नहीं है। कौन सी? मोंटेसरी विधि नहीं है। किसके द्वारा शैक्षिक वातावरण दशाओं तथा परिस्थितियों में सुधार किया जाता है? परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? परीक्षण के द्वारा शैक्षिक परीक्षण में सुधार किया जाता है। एक मॉडल, अब मॉडल पेपर 11 हो गया है, 12 कर लेंगे, 13 कर लेंगे, 13 मॉडल पेपर तो ये करेंगे, 7-8 मॉडल पेपर, टोटल 21 मॉडल पेपर करेंगे सेकेंड पेपर के, ठीक है बच्चों।